की रिपोर्ट। दतिया कृषि उपज मंडी में किसानों ने लगाया रोड पर जाम। किसानों की खरीदी को लेकर दुकानदारों और किसानों में रेट को लेकर विवाद के कारण किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने मंडी गेट के सामने दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम कर दिया। जाम खुलवाने के लिए पुलिस बल सहित SDM मनोज प्रजापति, SDOP गीता भारद्वाज, ट्रैफिक प्रभारी गजेंद्र केन सहित काफ़ी संख्या में बल मंडी गेट के सामने और मंडी के अंदर एकत्रित हो गया। SDM मनोज प्रजापति द्वारा किसानों को समझाइश देकर दोबारा से बोली लगाना शुरू किया। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। क्या समस्या अभी सर? ये सर अभी डाके नहीं कर रहा है आपने, क्या बोले हम नहीं खरीद रहे हैं। आज सवेरे से 11 बजे करते बोले हम नहीं कर रहे हैं, आए वो अपने सोरा कमरन में। हम लोग गांव में खड़े जब के बैठे, व्यापारी बार डाक नहीं कर रहे और दूसरी बार डाक कर भी रहे तो इतना सस्ता गेहूँ 1400 से स्टार्टिंग है और 1400 से स्टार्टिंग कर रहे डाक, 1500 रुपए गेहूँ खरीद रहे जो सरकारी रेट गेहूँ की 1840 है समर्थन मूल्य, जहाँ से नीचे तो खरीद ही नहीं सका, लेकिन 1400 से स्टार्ट डाक कर रहे। बताओ किसान का मर जाएगा? पैसा भी पूरे नहीं दे रहे, पैसा भी चाहता रहा, 8 दिन की बात करा तो 2 महीना में पैसा दे। कुमेड़ी के हैं, नाम बताओ। पंकज शर्मा कुमेड़ी, करण रजक कुमेड़ी। क्या समस्या हुई? समस्या ये है सर कि पहले खरीद नहीं रहे और खरीद भी रहे तो मतलब सस्ती खरीद रहे और बोले हमारे जो पुलिस वाले ने पैसे ले लेना ये गाड़ियन के 500-500 रुपए, इसलिए बोले हम लोग मद्दी खरीद रहे, बोले थाने पे जान के हमारे 500-500 रुपए लगे हैं इसलिए हम लोगों ने मद्दी खरीदी है। ये व्यापारियों को कहना है रेट को लेकर और डाक ना होने की समस्या? नहीं नहीं, डाक की समस्या नहीं थी, व्यापारियों में थोड़ा संतोष था, कुछ त्रुटिवश कल कोई कार्रवाई हो गई थी तो व्यापारियों में संतोष था, उनसे बातचीत कर ली गई, उनको समझाई दे दी गई और डाक पुनः चालू हो गई है और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है और तत्काल प्रशासन सक्षम है हर चीज़ों को निपटाने के लिए और पूरी कोशिश कर रही किसानों को कोई दिक्कत ना हो और अधिक से अधिक सहयोग हो सके।